Good morning, students. Now we discuss 11th example. A hollow weightless hemisphere filled with liquid is suspended freely from a point in the rim of its base. एक हमारे पास hollow weightless hemisphere है जो liquid से fill है. उसको हमने freely suspend किया है एक point से. और वो point कहाँ lie कर रहा है? On the rim of its base. ये आपकी ये rim है. ये इसका circle means जो है circular portion जो है दिखा रखा है. इसका कोई भी point ये base. ए बी तो ये हमने सस्पेंड किया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ए. शो दैट थर्स्ट ऑन द प्लेन बेस इज टू द वेट ऑफ द कंटेन्ड लिक्विड एस 12:2 अंडर रूट 3. हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? थर्स्ट की रेशो फाइंड आउट, सॉरी रेशो फाइंड आउट करनी है इसमें. किसकी रेशो? थर्स्ट ऑन द प्लेन बेस. इस प्लेन बेस पे थर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है जो ये प्लेन बेस है. और क्या कैलकुलेट करना है हमें? वेट ऑफ द कंटेन्ड लिक्विड. और उनकी रेशो जो है वो ये आनी चाहिए. ठीक है, ये हमने एक हेमिस्फीयर सस्पेंड कर दिया फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द रिम ऑफ इट्स बेस ए बी. ठीक है, लेट ए बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द रिम. मीन्स ओ ए इज द रेडियस हियर. लेट जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हेमिस्फीयर. जो जी हमने कंसिडर किया वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसिडर किया है. देन इफ जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हेमिस्फीयर देन जी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वर्टिकल लाइन थ्रू ए एंड द लाइन थ्रू ओ perpendicular to the base AP. Means G is the intersection of जो हमने perpendicular draw किया हुआ ये vertical axis and OG का ये क्या है? Intersection है. Statics में आपने result पढ़ा हुआ है, ये gravity, center of gravity chapter पढ़ा हुआ है आप लोगों ने. और otherwise इसमें आपकी book में भी सबसे front first page पे ये आपको center of gravity के results आपको दे रखे हैं कि hemisphere के case में, cylinder के case में क्या होती है. तो यहाँ हमने वहीं से वो रिजल्ट लिखा है कि ओ जी जो है वो कितना होगा हमारा 3a/8 वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द रिम. ये रिजल्ट हमने यहाँ यूज करना है. बाकी क्वेश्चन सिंपल है. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है? थर्स्ट ऑन द प्लेन बेस. तो थर्स्ट ऑन द प्लेन बेस मीन्स ये जो हमारा प्लेन बेस है मीन्स ये सर्कुलर पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है. नाउ दिस इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट ओ बिकॉज दिस ओ एंड इन टू एरिया ऑफ दिस बेस. नाउ प्रेशर इज इक्वल टू किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाते हो आप? रो जी इंटू एच. और एच क्या है? एच इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो हमारे हमें यहाँ ओ की डेप्थ चाहिए कहाँ से? फ्री सरफेस से. ये हमारा फ्री सरफेस है तो ये डेप्थ क्या हो गई हमारी? के ओ. ठीक है, तो ये हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर क्या हो गया? रो जी इंटू ओ के इज द प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द प्लेन बेस. प्लेन बेस का अब हमें क्या चाहिए? एरिया. इसका एरिया क्या होगा? पाई ए स्क्वेयर. जो आपका सर्कल का जो एरिया होता है पाई ए स्क्वायर. अब हमें निकालना क्या है यहाँ? यहाँ ओ के हमें निकालना है. तो ओ के फाइंड आउट करने के लिए अब आप इस ट्राइंगल में देखो ए के ओ. नाउ दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज दिस एंगल ए के ओ, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड लेट दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, अगर ये एंगल थीटा और ये एंगल भी क्या होगा आपका? थीटा, बिकॉज दीज आर टू पैरेलल लाइंस. ए जी एंड के ओ आर टू पैरेलल लाइंस एंड ए ओ इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो ये आपका दिस एंगल मीन्स ओ ए जी and AOK, these angles are same. Okay, so means if this angle is theta, means OAG is theta, then AOK is again theta. Means ये दोनों angles आपके हमने theta assume किया है. तो यहाँ से now in right angle triangle AKO, we have to find OK. So OK is equal to, यहाँ से OK आपको निकालना है, तो OK क्या बन जाएगा आपका? OA cos theta. ठीक है, वो value हमने यहाँ OK की put कर दी. अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? ये cos theta. OA तो हमें पता है, O is the radius of this base of the rim, so O is A. Now we have to find cos theta. Cos theta फाइंड आउट करने के लिए हमने इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, किस ट्राइंगल में? OAG ट्राइंगल में. Now this is again a right angle triangle. This GO, this is the perpendicular. ये हमने जो ड्रॉ किया हुआ है AO के ऊपर. तो यहाँ आपका एंड दिस एंगल इज थीटा, तो मीन्स ए जी इज हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्राइंगल. सो ए जी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी ओ स्क्वेयर प्लस ए ओ स्क्वेयर. ठीक है, एंड ए ओ स्क्वेयर दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द रिम, सो दिस इज ए स्क्वेयर. एंड ओ जी, ओ जी आपका कितना है? ये हमने स्टैटिक से रिजल्ट यूज किया था 3a/8. तो ये आपका उसका स्क्वेयर मीन्स कितना आ गया? 9a/64 प्लस ओ ए स्क्वेयर कितना हो गया? ए स्क्वेयर. इसको हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? जी ए स्क्वायर आ गया. जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 73/64 ए स्क्वायर. नाउ कोस थीटा. कोस थीटा क्या था हमारे पास? ओ ए बाय ओ के. कोस थीटा था ओ ए बाय ओ के एंड ओ के इज इक्वल टू ए जी. तो ओ ए बाय ए जी, तो ओ ए हमें पता है कितना है?
वही तो हमारी रेडियस ही थी ए इन अपॉन ए जी, ए जी हमने ये कैलकुलेट कर लिया, तो ए जी की जस्ट हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करना है तो आपके पास कोस थीटा आ गया। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इन इक्वेशन टू वी गेट द थ्रस्ट ऑन द प्लेन बेस। अब हम क्या निकाल रहे हैं, वेट ऑफ लिक्विड कंटेन इन हेमिस्फीयर, लिक्विड का वेट जो हेमिस्फीयर में कंटेन है। वेट क्या होता है आपका, वेट का फॉर्मूला हम क्या लगा रहे हैं, रो जी इंटू वी वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि रो जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रो आपका हो गया मास पर इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम से वॉल्यूम तक कैंसिल होके क्या आ जाए आपका एम इंटू जी मीन्स वेट बनता है। तो रो जी इंटू वॉल्यूम, टू पाई किसका वॉल्यूम लिखना है आपने, आपने हेमिस्फीयर का, तो टू पाई ए क्यूब बाई थ्री। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास रेशियो आ गई 12/√73। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ, 12th क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो लिक्विड में इमर्स्ड की है। इट्स प्लेन बीइंग वर्टिकल एंड द साइड ए बी इज ऑन द सर्फेस। साइड ए बी जो है वो सर्फेस पे लाई कर रही है, मीन्स ए फ्री सर्फेस बनेगा आपका। एंड इफ ओ इज द बी द सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एट ट्राइंगल ए बी सी। हमने एक सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ किया और ओ जो है उसका क्या है, सेंटर है इस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रेशर ऑन ट्राइंगल ओ सी ए, ट्राइंगल पे जो प्रेशर है रेशियो उसकी, द प्रेशर ऑन ट्राइंगल ओ सी बी इज टू दिस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमें ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अभी तो फिलहाल हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ की हुई है और हमें ये पता है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो यहाँ इस पॉइंट ओ से हमने ए को भी ज्वाइन किया, सी को ज्वाइन किया, बी को ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई ए ओ बी ट्राइंगल आ गई, ओ ए सी ट्राइंगल आ गई, और दूसरी ट्राइंगल आ गई हमारे पास ओ बी सी, ये दो ट्राइंगल्स आ गए। हमें इन ट्राइंगल्स का पे प्रेशर फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, अब ट्राइंगल्स पे प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए आपको उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पता होना चाहिए। तो यहाँ जो ट्राइंगल ए ओ सी है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने जी से डिनोट किया हुआ है, और जो ट्राइंगल ओ बी सी है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जी डैश से हमने डिनोट किया हुआ है। ठीक है, जी और जी डैश लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है जी जी डैश, और डी और ई जो है वो हमने मिड पॉइंट्स कंसिडर किए हुए हैं ए सी और बी सी के, तो और डी ई को भी हमने ज्वाइन किया है। तो नाउ जी जी डैश इज पैरेलल टू डी ई, कंस्ट्रक्शन ये हमारी हो चुकी है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, फ्री सरफेस से जो ये हमने सेंट्रोइड कंसिडर किए हैं ट्राइंगल्स के, इनकी डेप्थ भी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए हुए हैं हमने जी एल ट्राइंगल ए ओ सी के लिए, क्योंकि जी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपकी, सेंट्रोइड है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रही हूँ, सेंट्रोइड है किसका, इस ट्राइंगल ए ओ सी का। तो हमें ये डेप्थ चाहिए फ्री सर्फिस से, तो ये हमने परपेंडिकुलर जी एल ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे ही जो ये जी डैश आपका सेंट्रोइड है ओ बी सी ट्राइंगल में, तो यहाँ से भी हमने ये ड्रॉ किया हुआ है जी डैश एल डैश। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब देखो इसलिए क्या कह रहा है, यही कि डी और ई मिड पॉइंट है ए सी और सी बी के, हमने ज्वाइन किया है ओ डी को ओ ई को, जो भी मैं बता चुकी हूँ आपको, जी और जी डैश जो है वो सेंट्रोइड है। डी ई लाइन को हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी सी, एंड दिस इज पैरेलल टू ए बी, मीन्स ये जी जी डैश डी ई और ए बी जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। जी सेंट्रोइड है आपका ट्राइंगल ओ ए सी का। अब जो ट्राइंगल में जो हमें सेंट्रोइड कंसिडर करते हैं, एक्चुअल जो ये हमारी मीडियन होती है ओ डी इज द मीडियन हेयर, तो ओ जी जो है दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द मीडियन ओ डी। ठीक है, सिमिलरली ओ जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2/3 ऑफ ओ ई, जो ये मीडियन है उसका 2/3। ठीक है, तो हम यहाँ रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं ओ जी बाय ओ जी डैश, ओ जी बाय ओ जी डैश, नाउ दिस इज इक्वल टू क्या आ गया ओ डी बाय ओ ई आ गया हमारे पास। तो ये इससे हमें क्या पता चल गया, दिस इम्प्लाइज जी जी डैश जो है दिस इज पैरेलल टू डी ई एंड हेंस पैरेलल टू ए बी। ये आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के रिजल्ट्स आपको पता ही हैं, वही रिजल्ट अब हमने इसमें यूज करने हैं। प्रेशर निकाल रहे हैं ऑन ट्राइंगल ओ ए सी, तो प्रेशर निकालना है सेंट्रॉइड पे उस ट्राइंगल के इंटू एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। तो रो जी और एच भी मैंने बताया था, डेप्थ फ्री सरफेस से जी एल इंटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, हमने ये रिजल्ट यूज किया है। ऐसे ही हमने सेकेंड ट्राइंगल पे निकालना है और फिर उनकी रेशियो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये सिमिलर ट्राइंगल का इसमें रिजल्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। अब जो ये हम मैंने सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को से डिस्कस किए हैं और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी भेजे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, तो जो ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली ये बुक जो है वो रिकमेंडेड बुक ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में रिकमेंडेड है ये बुक जो है, हमने जस्ट नोट्स या बुक्स कलेक्ट की हुई हैं और जो हमारे टॉपिक सिलेबस कवर कर रहा है वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो अब मैंने जो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स
सेंड किए हैं वो आप लोग ट्राई करना। मेरे हिसाब से हमने ऑलमोस्ट जो है वो कवर कर चुके हैं हम। अगर आपको कोई भी फिर भी कोई डाउट आता है किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।